यूपी आते ही मुख्तार अंसारी की हवा निकल चुकी है। वो भूल गया कि वो व्हीलचेयर पर आया था और अपने पैरों पर चलकर अपने बैरक में पहुंच गया। ये योगी जी का ही तो डर है, जो अपराधी अभी तक बीमारी का बहाना लेकर व्हीलचेयर पर था, वो अब अपने पैरों पर चलने लगा है। दरअसल पंजाब की रोपड़ जेल से मुख्तार अंसारी को लेने गई यूपी पुलिस की टीम 900 किलोमीटर का सफर तय करके आज 4:30 बजे बांदा जेल पहुंची। पंजाब में जहां मुख्तार व्हीलचेयर से एम्बुलेंस में सवार हुआ था और इससे पहले मोहाली कोर्ट में भी वो व्हीलचेयर पर ही पेश हुआ था, वही मुख्तार अंसारी बांदा जेल में अपने पैरों पर खड़ा होकर अंदर गया। हालांकि अंसारी के चेहरे पर घबराहट साफ नजर आ रही थी। डॉक्टर्स के पैनल ने जांच की तो वो पूरी तरह फिट पाया गया। यानी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मुख्तार अंसारी का क्या हाल होगा। जिस जेल में मुख्तार अंसारी को रखा गया है, उसकी हर दीवार पर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। सुरक्षा ऐसी है कि परिंदा भी पर ना मार सके। आपको बताते चले कि पंजाब की रोपड़ जेल बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी को खूब रास आ रही थी। वो यहाँ पर अपने आप को पूरी तरह सुरक्षित समझता था, वहाँ से यूपी नहीं जाना चाहता था। 2 साल में 8 बार यूपी पुलिस उसे लेने रोपड़ भी पहुँची, लेकिन हर बार सेहत, सुरक्षा और कोरोना का कारण बताकर पंजाब पुलिस ने सौंपने से इनकार कर दिया था। और अब मुख्तार अंसारी की यूपी में एंट्री के बाद जेल गेट के बाहर सुरक्षा का दायरा और ज्यादा बढ़ा दिया गया है। मुख्य गेट के बाहर स्थित पुलिस चौकी में 1 दरोगा और 10 कांस्टेबल अतिरिक्त तैनात किए गए हैं। यहाँ 1 दरोगा और 4 सिपाही पहले से ही नियुक्त हैं। एएसपी महेंद्र प्रताप चौहान ने बताया कि जेल की बाउंड्री में लगातार पिकेट ड्यूटी और गश्त होगी। इसमें एक प्लाटून पीएससी जिसमें 25 जवान होते हैं, ये भी तैनात की गई है। बांदा जेल के जेलर पीके त्रिपाठी ने भी बताया कि जेल के अंदर दाखिल होने के तुरंत बाद मेडिकल टीम ने मुख्तार अंसारी की जांच की थी। इसके बाद उसे 5 बजे बैरक में शिफ्ट किया गया। मुख्तार अंसारी ने यहां आने के बाद कहा कि वो नहा धोकर सोना चाहता है, क्योंकि वो यात्रा से काफी थक गया था। इसके अलावा मुख्तार अंसारी के लिए सामान्य कैदियों की तरह ही व्यवस्था की गई है। उसे ना कोई वीआईपी ट्रीटमेंट मिलेगा, ना ही किसी तरह का ऐशो आराम। उसे आम कैदियों की तरह ही सारी सुविधाएं दी जाएंगी। सीसीटीवी से उसकी हर एक एक्टिविटी पर नजर रखी जाएगी। जेल के अंदर आने वाले हर व्यक्ति पर भी नजर रखी जाएगी। जिस बैरक में उसे रखा जाएगा, उस बैरक का नंबर है 15। इसे तन्हाई जेल भी कहा जाता है। इस बैरक में मुख्तार अंसारी पहले भी 26 महीने रह चुका है। यूपी में गैंगस्टर मुख्तार के खिलाफ 53 गंभीर मामले दर्ज है और इसका पुराना इतिहास रहा है। मुख्तार अंसारी के दादा आजादी से पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। दादा का नाम भी मुख्तार ही था, जबकि उसके नाना ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान महावीर चक्र विजेता थे। वहीं उपराष्ट्रपति रहे हामिद अंसारी मुख्तार के चाचा हैं, जबकि बड़े भाई अफजल अंसारी ने 2019 के चुनाव में मोदी लहर के बावजूद केंद्रीय रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा को गाजीपुर से हराया था। मुख्तार भी 5 बार के विधायक हैं, लेकिन यूपी आते ही मुख्तार अंसारी की सारी हवा निकल गई। उसके अंदर खौफ इतना समा गया कि वो भूल ही गया कि वो व्हीलचेयर पर यूपी आया था। ऐसे में देखना होगा कि आगे आगे मुख्तार अंसारी का क्या होता है, वो किस तरह के रिएक्शन देता है। तो आप भी इस वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ।